मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डिग्री ऑफ कंपैरिजन। एडवर्ब या एडजेक्टिव की तीन डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। फॉर एग्जांपल, बिग पॉजिटिव, बिगर कॉम्परेटिव एंड बिगेस्ट सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री को अधिकतर सो एज, सच एज या एज से हम बनाते हैं। कॉम्परेटिव डिग्री के बाद देन अवश्य लाना चाहिए एंड सुपरलेटिव डिग्री के पहले डेफिनेट आर्टिकल दा का प्रयोग जरूर किया जाता है। कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनकी डिग्री इस रूल से नहीं बनती। सपोज करो ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल या इंटेलिजेंट है, तो ब्यूटीफुल को ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, तो इन शॉर्ट मोर और मोस्ट का प्रयोग करके हम मनाते हैं। यदि तुलना दो वस्तु या व्यक्तियों से हो तो उस दशा में पॉजिटिव तथा कॉम्परेटिव में ही परिवर्तन संभव है, बल्कि सुपरलेटिव में नहीं बदला जा सकता। एग्जाम्पल ले लेंगे, सपोज करो कि ही इज गुड बॉय, ये पॉजिटिव है। ही इज बेटर देन हरी, ये कॉम्परेटिव है। एंड ही इज द बेस्ट बॉय, ये आपका सुपरलेटिव है। एक एग्जाम्पल लेंगे, आई एम नॉट सो वाइज एज ही, यह पॉजिटिव में है। इसको अगर हम कॉम्परेटिव बनाएं तो हमको क्या करना होगा कि ही इज वाइजर देन आई, ही इज वाइजर देन आई। आई एम नॉट सो वाइज एज ही, मैं इतना बुद्धिमान नहीं हूं जितना कि वह, अर्थात वह मुझसे ज्यादा बुद्धिमान है। इस सेंटेंस का सुपरलेटिव नहीं बन सकता है। सेंटेंस और लेंगे, राम वॉक्स एज फास्ट एज मोहन, राम वॉक्स एज फास्ट एज मोहन, राम उतना चलता है तेज जितना कि मोहन, अर्थात मोहन राम से ज्यादा तेज नहीं चलता है। क्योंकि ये सेंटेंस हमारा एक टेंस में है, इसलिए इसकी डिग्री भी हमको टेंस में बनानी पड़ेगी, और इसको हम बनाएंगे कि मोहन डज नॉट वॉक फास्टर देन राम। आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेंटेंस का जो बेस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, इसलिए हमने उसको जब कॉम्परेटिव चेंज किया तो उसको भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव में चेंज किया, और ये बन गया मोहन डज नॉट वॉक फास्टर देन राम। सेंटेंस एक बहुत अच्छा सेंटेंस है कि नो अदर सिटी इन इंडिया इज सो बिग एज कोलकाता, नो अदर सिटी इन इंडिया, भारत में अन्य कोई शहर इतना बड़ा नहीं है जितना कि कोलकाता, अर्थात क्या हुआ कि कलकत्ता सबसे बड़ा है। तो अगर इसकी सुपरलेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा कलकत्ता इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, लेकिन अगर इसको कॉम्परेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा कलकत्ता इज बिगर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। क्या लगाएंगे, एनी अदर सिटी इन इंडिया, अर्थात अगर इस प्रकार का कोई सेंटेंस नो अदर वाला आता है तो उसको कॉम्परेटिव डिग्री में देन एनी अदर लगाएंगे और उसका सुपरलेटिव में वही बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। पॉजिटिव डिग्री में एक और सेंटेंस और है, कह रहा है नो अदर पोएट इन इंडिया वॉज सो ग्रेट एज कालिदास, ऊपर जैसा ही सेंटेंस है ये, तो इसमें जब हम इसको सुपरलेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा कालिदास वॉज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंडिया, लेकिन कॉम्परेटिव जब बनाएंगे तो कहेंगे कि कालिदास वॉज ग्रेटर देन एनी अदर पोएट ऑफ इंडिया, कालिदास वॉज ग्रेटर देन एनी अदर पोएट ऑफ इंडिया। इस प्रकार से अगर कोई सेंटेंस में हमारे इस प्रकार से आया है कि नो अदर आया है तो उसको देन एनी अदर से बनाएंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है कि अगर सेंटेंस में वेरी फ्यू आया है, इसमें लिखा है वेरी फ्यू इंडियन लीडर्स आर एज ग्रेट एज महात्मा गांधी,
वेरी फ्यू माने होता है बहुत कम, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई नहीं है, वेरी फ्यू माने कोई ना कोई है। तो इसका जब कॉम्परेटिव बनाएंगे वे तो बन जाएगा कि महात्मा गांधी वाज ग्रेटर देन मोस्ट अदर इंडियन लीडर्स, मोस्ट अदर इंडियन लीडर्स। और सुपरलेटिव में बनेगा कि महात्मा गांधी वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर, वन महात्मा गांधी वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन लीडर्स। लिखा है कि वेरी फ्यू गर्ल्स आर एज ब्यूटीफुल एज गीता, बहुत कम लड़कियां इतनी सुंदर हैं जैसे कि गीता। अर्थात क्या है कि जब कॉम्पिटिटिव बनाएंगे तो गीता इज मोर ब्यूटीफुल देन मोस्ट अदर गर्ल्स, सुपरलेटिव बनाएंगे तो गीता इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स। एक चीज ध्यान में रखना है कि जब वन ऑफ द लगाते हैं, वन ऑफ द मोस्ट लगाते हैं, तो हमें वहां पर प्लूरल रखना पड़ेगा। जैसे कि ऊपर वाले में इंडियन लीडर्स है, यहाँ पर ब्यूटीफुल गर्ल्स है, कभी भी हम गर्ल नहीं लिखेंगे या केवल इंडियन लीडर नहीं लिखेंगे, बल्कि इसका प्लूरल हमको देखना पड़ेगा। एक सेंटेंस और दे रहा है कि दिस सिटी इज एट लीस्ट एज काम एज सम अदर सिटीज। तो इसको जब हम कॉम्परेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा दिस सिटी इज नॉट लेस देन, दिस सिटी इज नॉट लेस काम, दिस सिटी इज नॉट लेस काम देन सम सिटीज। केवल ऐसा बनाएंगे कि दिस सिटी इज नॉट लेस काम देन सम सिटीज। इस प्रकार से ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन है और इसको हम लोग सीख रहे हैं। If you like this video, please click subscribe to watch more such videos. Thanks for watching.